वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के एमसीक्यू करेंगे 50, वो भी 10 मिनट में। हु इज द नरेटर ऑफ द लास्ट लेसन? द लास्ट लेसन का नरेटर कौन है, कौन स्टोरी सुना रहा है? फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम हेमल वॉज अबाउट टू गिव टेस्ट ऑन, एम हेमल जो टेस्ट देने वाले थे कौन से टॉपिक पर देने वाले थे? पार्टिसिपल। नेक्स्ट, राइटर ऑफ द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन है उसके राइटर कौन है? अल्फोंसो डॉडे। नेक्स्ट, वॉज फ्रेंड्स प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल, क्या वो तैयार था, पार्टिसिपल की तैयारी करके आया था? नो। फॉर अ मोमेंट वॉट वॉज फ्रेंड्स थॉट, एक मोमेंट के लिए उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि वो स्कूल बंक कर दे और बाहर ही इंजॉय करे, क्योंकि उसकी टेस्ट की तैयारी नहीं थी। What did friends see when he passed to the hall? ठीक है, जब friends कहां से आया, जब वो टाउन हॉल से आया, ठीक है, टाउन हॉल के पास से गुजरा, तब उसने क्या देखा? उसने देखा था बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग ऑल द बैड न्यूज वर कमिंग फ्रॉम दैट बुलेटिन बोर्ड, उस बुलेटिन बोर्ड से कितने टाइम से वो जो खराब खबर आ रही थी, पिछले दो साल से जो भी बैड न्यूज होती थी, लॉस्ट बैटल्स, वो सब वहीं से आ रही थी। नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु मेट फ्रेंड्स ऑन द वे, उस लोहार का नाम क्या था जो फ्रेंड्स से मिला था रास्ते में, उसका नाम था वॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर कोट एम हेमल वॉज वेयरिंग, किस कलर का कोट पहना हुआ था उन्होंने? ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर कैप एम हेमल वॉज वेयरिंग, कैप किस कलर की थी उनकी? कैप थी उनकी ब्लैक कलर की। चिल्ड्रन, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारे एमसीक्यू तुम्हारे बुक के, तुम्हारे चैप्टर्स के मैं यहीं पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिल जाए। फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन, कहां से आए थे वो ऑर्डर के केवल जर्मन पढ़ानी है? वो आए थे बर्लिन से। विच इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एम हेमल, के हिसाब से दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच। नेक्स्ट, विच बर्ड कूड ऑन द रूफ, कौन सी बर्ड की आवाज आई थी रूप पे से? पिजन। व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सिस, जो लोग थे एल्सिस के, किस चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे? वो ले रहे थे टाइम एंड स्कूल को, वो ही सोचते थे आज का काम कल कर लेंगे, अरे कल कर लेंगे, और दूसरे स्कूल को भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। व्हाट डिड फ्रेंड्स फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसने देखा स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बिल्कुल शांत है हर जगह। Who occupied the back benches in the class? जो पिछली benches होती हैं, उन पे कौन बैठा हुआ था? जो गांव के जो बड़े बूढ़े लोग थे, वो बैठे थे, village elders. Why was French surprised? जो French है, वो surprised क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस दिन देखा जो M Hamel है, जो बहुत ज्यादा strict थे, punishment भी दिया करते थे, वो उस दिन बहुत ज्यादा kind है और polite behave कर रहे हैं। Why was French feeling regretful and sad? जो फ्रेंच है उसे पछतावा क्यों हुआ और उसे दुख क्यों हुआ? उसे इस बात का दुख हुआ कि भैया आज लास्ट डे है मेरे टीचर का और अभी तक मैंने अपनी मदर टंग यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं सीखी। Whom did M. Hamel blame for not sending students to school? किसको ब्लेम करते हैं M. Hamel बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए? पेरेंट्स को। What did Hauser bring? Hauser अपने साथ क्या लाया था? ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर क्या होता है? एक बुक होती है। नेक्स्ट, What made friends forget M. Hamel's ruler and crankiness? किस बात से वो उनका जो strictness थी, जो वो punishment देते थे, ruler से पिटाई करते थे, क्या हुआ ऐसा कि वो सब कुछ भूल गया? The idea of his going away. जैसे उसे पता चला कि आज हमारे टीचर का लास्ट डे है, वो काफी इमोशनल हो गया और वो सारी चीजें भूल गया। For how many years did M. Hamel serve the school? कितने सालों से वो उस स्कूल में सेवाएं दे रहे थे, पढ़ा रहे थे? 40 साल से। Where did the parents send their children? जो parents अपने बच्चों को कहां भेज देते थे? फॉर्म्स में भेज देते, मिल्स में भेज देते काम करने के लिए। Why were the parents sending their children to farms and mills? क्यों भेज रहे थे वो farms and mills में? ताकि वो लोग थोड़ा सा पैसा उन्हें मिल जाए, क्योंकि जब बच्चे वहां काम करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा। Why did the villagers come to meet M. Hamel in the school? जो villagers हैं वो M. Hamel से मिलने क्यों आए थे उनके आखिरी दिन? To show gratitude, मतलब आभार व्यक्त करने आए थे कि एक टीचर ने पिछले 40 साल से कितनी सेवा करी है। Why did Mr. M. Hamel called the French language the most beautiful? M. Hamel French language को सबसे beautiful language क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके हिसाब से ये दुनिया की सबसे clearest और logical language है। When people are enslaved, what key do they have to prison according to M. Hamel?
अगर लोगों को बंदी बना लिया जाए तो जेल से निकलने का रास्ता क्या है अकॉर्डिंग टू एमेबल, वो है उनकी मदर टंग, उनकी मातृभाषा। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस वाज अनयूजुअल दैट डे, क्या अनयूजुअल था उस दिन स्कूल में, उस दिन अनयूजुअल था क्वाइटनेस इन द स्कूल, एकदम शांत। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या मैसेज लगाया गया था, बुलेटिन बोर्ड पर यह ऑर्डर लगाया गया था कि टीच ओनली जर्मन, आप केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। व्हाट चेंजेस डिड ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, क्या चेंजेस आए स्कूल में उस दिन, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, पूरी तरह से सन्नाटा था और सैडनेस, दुख दुख दुखी थे सब लोग। व्हाट चेंज फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल्स एंड ओल्ड स्कूल, किस वजह से फ्रेंड्स की फीलिंग अपने स्कूल के बारे में और एम हेमल के बारे में चेंज हो गई, जो ऑर्डर आए थे फ्रॉम बर्लिन से उस वजह से, क्योंकि अब वहां उनका लास्ट डे होने वाला था। व्हाट डिड मिस्टर एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे, एम हेमल लास्ट दिन में अपने क्लास वाले बच्चों के लिए क्या लेके आए थे, वो सबके लिए नई नोटबुक्स लेके आए थे। द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर, कौन से साल में लिखी गई थी, 1870, 1871। व्हाट वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था, बहुत क्राउड यानी भीड़ भाड़ थी, काफी सारे लोग थे। व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड से क्या क्या बुरी खबरें आती थी, कोई भी जो हार जाते थी वो बैटल, उनकी कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी ऑर्डर कमांड, तो यानी कि राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम नेक्स्ट डे, अगले दिन से बच्चों को अब कौन सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, जर्मन। वॉट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज फ्रेंड्स, एम हेमल का क्या एटीट्यूड देख के जो फ्रेंड्स है वो सरप्राइज हो गया, सॉफ्ट एंड काइंड, क्योंकि जो टीचर हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, पनिशमेंट देने वाले, चिल्ला के बात करने वाले थे, मतलब थोड़ा डांटते थे, तो वो आज बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज्यादा काइंड है। वॉट मेड फ्रेंड्स एंड अदर पीपल रियलाइज अबाउट द प्रेशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग, किस बात से फ्रेंड्स को और दूसरे लोगों को ये रियलाइज हुआ कि उनकी मदर टंग बहुत ज्यादा प्रीशियस है, एम एम एल की वजह से, क्राउड की वजह से, सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन और स्कूल, ये जो सडन ऑर्डर, अचानक से जो ऑर्डर आए बर्लिन से, उससे सब कुछ चेंज हो गया, तो अचानक से उन लोगों को लगने लगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। हु वॉज एम हेमल, एम हेमल कौन थे, एक लैंग्वेज टीचर थे जो कि फ्रेंच पढ़ाते थे। वाई डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम क्यों किया, फॉर गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स, कभी कभी वो खुद भी छुट्टी कर दिया कर देते थे, चलो यार आज गार्डन में काम कर लेते हैं, चलो फिशिंग पे चले जाते हैं, तो वो दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी ब्लेम करते हैं। Why French was shocked to see M. Hamel? M. Hamel को देख के वो shocked क्यों हो गया था? क्योंकि उस दिन उन्होंने वो वाली casual dress पहनी हुई थी जो वो कभी-कभी function वाले days पे पहनते थे। What does the last lesson symbolize? Last lesson क्या किस बात को symbolize करता है? ये symbolize करता है loss of language and freedom. अगर आप अपनी language ही खो दोगे तो आप अपनी freedom भी खो देते हो। Why was French feeling regretful and sad? ये हमने ऑलरेडी बता दिया क्यों उसे दुख हो रहा था, क्यों उसे पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी मदर टंग नहीं सीखी, फ्रेंच वो नहीं सीखी। Why was French reluctant to go to school? Reluctant का मतलब होता है उसका मन नहीं कर रहा था स्कूल जाने का, क्योंकि उसका टेस्ट था पार्टिसिपल्स पे और उसने तैयारी नहीं की थी। Who asked French not to hurry to school? किसने कहा फ्रेंच से कि यार इतनी भी जल्दी मत करो स्कूल जाने के लिए, ये वाली बात कही थी ब्लैक स्मिथ वॉस्टर ने। What is the moral of the Alfonso Daudet wants to bring out? इस चैप्टर के जो राइटर हैं Alfonso Daudet, वो कौन सा मॉरल, क्या शिक्षा देते हैं हमें? वो ये शिक्षा देते हैं not to put off things that one can do that day. अगर हम कोई काम आज कर सकते हैं तो हमें उसे कल पे नहीं टालना चाहिए। What does the marching of the soldiers under the window represent? वो जो soldiers march कर रहे थे ये क्या बताता है? ये बताता है डॉन ऑफ प्रूशिया इन फ्रांस। डॉन का मतलब होता है सुबह, यानी कि एक तरह से इनकी जीत हो गई प्रूशिया, प्रूशियन वालों की फ्रांस के ऊपर। व्हाट डज एम हेमल मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट, जब वो बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है ये चीज क्या बताती है? फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, कभी कभी आप इमोशनल होते हो जाते हो अपने पास्ट को सोच के, तो वो भी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में। एम हेमल वॉज अबाउट टू गिव टेस्ट ऑन, एम हेमल कौन से टॉपिक पे टेस्ट देने वाले थे, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, 10 मिनट के अंदर 50 एमसीक्यू। क्या आप मेरी इस तरह की वीडियो और चाहते हो, क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलता हूँ आपके साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो मेरे भाई लाइक। सी यू।